अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये देखो, मेरे घर में यहाँ पर कच्ची जगह है, यहाँ पर मिट्टी की क्यारी है, यहाँ पर कुछ भी बो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी पेड़ वगैरह लगे हुए थे, बेलें वगैरह फूल की, तब मैंने इनको हटा दिया है क्योंकि बाज़ार में सब्ज़ी इतनी महंगी हो रही है। तो मैं अब यहाँ पर करूँगा सब्ज़ी की खेती छोटी सी जगह में। यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाऊंगा टमाटर, क्योंकि टमाटर अभी हो रहे हैं 200 रुपए किलो, 20 रुपए का एक छोटा सा टमाटर आ रहा है। दाल में डालने के लिए भी बहुत महंगी पड़ रही है दाल, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ की सफाई करके, और ये सब मैंने काट दिया है यहाँ पर, पूरी सफाई करके इसको मैं और यहाँ पे लगाऊंगा, मैं पौधे लगाऊंगा सब्ज़ी के, जिसमें मैं बैंगन भी बोऊँगा और भिंडी भी लगाऊँगा और टमाटर लगाऊँगा और खीरे लगाऊंगा। तो उसके लिए ही हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट्स में बताइए कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। इस महंगाई से परेशान होकर ये करना पड़ रहा है, आज नहीं तो कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे, कुछ तो उगेगा यहाँ पर जो हमारे काम आएगा। देखो दोस्तों, जब मैं झूले में बैठ कर जामुन खा के यहाँ पर फेंकता था, तो देखो जामुन के पेड़ लग गए। ये जामुन का पेड़ है, ये दिखाता हूँ आपको, लोहाड़ा, ये देखो, ये दिख रही है आपको गुठली, जामुन की गुठली। तो दोस्तों साफ सफाई करते हुए पीछे मैंने आपको बताया, उसमें हो गई हमें शाम, और अब मुझे जोरों से भूख लग रही है। खाने में तभी है टाइम, तो मैं बनाने जा रहा हूँ चीला, बेसन का चीला। ये लिया है मैंने बेसन, इसमें डाली थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और जीरा, और इसका पेस्ट बनाया है। अब इसको डालेंगे तवे पे, थोड़ा सा तेल डालेंगे पहले, डाला तेल, तवा गर्म था पहले से ही, और इसमें डाल देंगे ये पेस्ट। और इसको फैला देंगे चारों तरफ, और इसमें साइटों से डालना है इसके अंदर तेल। और उस तेल को जाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए करना है उसको ऐसे। तो इसको शेडो फ्राई करना है। अब हम इसको पलटेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा एक जैसा गोल का गोल पलट जाए। फिर डालेंगे इसमें साइडों से तेल। चलो तेल का काम हो चुका है ख़त्म, इससे ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे इसके अंदर। ये हमारा चीला रेडी हो चुका है, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको फ्राई, फिर इसको टमाटर सॉस से, केचप से खाएंगे। आज बनाएंगे हम फिश। अब इसकी धुलाई चल रही है, इधर चीला। तो ये बन गया हमारा चीला, और ये हमने केचप, चलो अब इसको खाते हैं। ये देखो, अब खाना करते हैं स्टार्ट। एक नंबर। आइए आप लोग भी, चीला खाने के बाद में वजू बना के आज है जुमेरात, इसलिए करेंगे बड़े पीर साहब के नाम का चिराग रोशन, उसके बाद बनाएंगे फिश। आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे फिश की रेसिपी इंशाल्लाह।
तो देखो दोस्तों, हमारी खेती के लिए ज़मीन हमने रेडी कर ली है। अब हमने इसको खोद दिया है और इसको एक दो दिन खुला छोड़ेंगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर कीड़े होते हैं, इस वजह से बीज नहीं चलते हैं। तो इसमें हवा लगेगी एक दो दिन, उसके बाद में हम इसके अंदर बोएंगे टमाटर, क्योंकि आपको मालूम है टमाटर के भी भाव आसमान छू रहे हैं। हालांकि बाद में इतने भाव नहीं रहेंगे, लेकिन हमें तो उगाना है। और अब हम हमारे घर की सब्ज़ी ही खाएंगे, घर पर ही उगाएंगे और यहीं से तोड़ेंगे और यहीं से बनाएंगे। ये भी अभी हमने रेडी कर लिया, थोड़ा सा और बाकी है यहाँ की सफाई करना। बाद हम आए हैं किचन में और हम बनाने जा रहे हैं फ़िश, और ये फ़िश है समुंदर की फ़िश मंगाई हमने। मैंने मेरे भाई को बोला था कि मुझे समुंदर की जो सुरमई आती है उसकी याद आ रही है, तो उसने वहीं से इसको कंप्लीट करके साफ़ करा के और बर्फ़ लगा के और ट्रेन से भेजी है, जिसमें ट्रेन में आई है पेंटी कार में। पेंटी कार वो जहाँ पर जो किचन होता है ना, उसमें फ्रिज में रखता है। तो ये मुझे मिली आज सुबह, तो आज मैं बना रहा हूँ सुरमई, समुंदर की मुंबई की सुरमई। नहीं बैठ लेते हैं, और काफ़ी टाइम हो गया किचन में आए, आज बहुत दिनों के बाद आए हैं किचन में, और इंशाल्लाह आपको रेगुलर मिलेंगे हम। तो तेल हो चुका है गरम, आप इसमें डालते हैं हम गरम मसाला। रेसिपी तो आपको मालूम है, इसे आज सुबह ही बना रहे हैं। एक दो लौंग, छोटी सी दालचीनी पत्ता और काली मिर्च, ये डालेंगे। उसके बाद में ये थोड़ा सा प्याज। चलो प्याज हो गए, अब इसके अंदर डालते हैं हम सौंफ, जैसे मसाले के मेथी दाना, इसके बाद में डालते हैं हम हमारी सुरमई। जो 700 ग्राम वाली सुरमई, सुबह ये हमारे हिसाब से बनेगी। अभी सब डालेगा आगे थोड़ी में ना मजे लेने दो, मछली जल की रानी है और जीवन इसका पानी है, इसका पानी सुबाना है हमें। और सब तेल में ना अच्छा 700 ग्राम की सुरमई थी है, तो इसके अंदर क्या है, आज भूरे भी है, सब कुछ है इसमें, आज पूरी खड़ी मछली है, ये पेट वाल भी है। मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। चलो भैया मैरिनेट करा था उसमें नींबू, क्या था, हल्दी और नमक। चलो भैया उसके बाद आते हैं बादशाह दही, और पानी। तेरा है इसको, इसका मतलब
इंतजार हो रही है, वीडियो को रोकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो इसमें डाल दिया पानी और इसको पकने देते हैं आप 15-20 मिनट, उसके बाद देखेंगे इसकी पोजीशन क्या होती है। तो 15 मिनट पकने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे हम पीसी हुई काली मिर्ची। तो ये हमारी सुरमई रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।